आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं जो इन्वेस्टर्स को कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में रीसेंट ईयर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। उसमें भी मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है डायरेक्टली कंपनी से लाए गए ऑफरिंग्स के टाइम इन्वेस्ट करना। इसके पीछे का मेन रीजन यूजुअली लिस्टिंग के टाइम होने वाली पोटेंशियल विंडफॉल गेन का एक्सपेक्टेशन है। बट एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कंपनी से लाए गए सब ऑफरिंग्स एक जैसे नहीं होते और सब टाइप ऑफ ऑफरिंग्स के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं, जो समझना इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। हाय गाइस, वेलकम टू धन। ये वीडियो में हम कंपनी से इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करने के तीन वेज जानेंगे, IPO, FPO and OFS. So let's get started. सबसे पहले हम कोई कंपनी के पर्सपेक्टिव से उनकी फाइनेंसिंग सोर्सेज एंड स्टेजेस समझते हैं। इनिशियली जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तब प्रमोटर्स इन्वेस्ट करते हैं। जनरली कंपनी अपने बिजनेस से कमाए हुए पैसे फर्दर इन्वेस्ट करती है, ओवर द इयर्स ग्रो करती है, जिसको इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं। बट अगर कंपनी का ग्रोथ प्लान उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस अर्निंग से फंड नहीं होता तो कंपनीज एक्सटर्नली फंड्स रेज करती हैं। Typically, external financing includes equity financing and debt financing. External equity financing में company नए equity shares issue करके investors से पैसे लेती है। Investors company के fundamentals and growth के basis पर company के equity shares against पैसे invest करते हैं। यह external equity financing company privately selective investors को equity shares offer करके कर सकती है। Usually, angel investors, venture capital firms, private equity firms और institutional investors ऐसे fundraising में participate करते हैं। External equity financing का दूसरा तरीका general public से investment लेना होता है और इसको public offer करना कहा जाता है, जहां company अपने shares public को offer करती है in return for an investment। ये public offer जब कोई company first time करती है तो उस process को initial public offer या IPO कहते हैं। IPO के process से एक privately held company public को shares offer करके publicly traded company बनती है। Company को privately held रखने का और publicly traded बनाने के अपने अपने फायदे और नुकसान है। बट एज एन इन्वेस्टर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कंपनी के लिए IPO लेके आना एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। IPO से कंपनी को पब्लिक फंड का एक्सेस मिलता है, जिससे कंपनी की ग्रो करने की एबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इन रिटर्न हाउएवर पब्लिक इन्वेस्टर्स होने से कंपनी को अपने बिजनेस के रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इससे सिर्फ रेगुलेशंस का कंप्लायंस ही नहीं बट लिस्टिंग के लिए अच्छी क्रेडिबिलिटी भी मिलती है। एट द टाइम ऑफ IPO कंपनी को सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है, जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी कंपनी दो अल्टरनेटिव तरीकों से IPO लेके आ सकती है, फिक्स प्राइस ऑफरिंग और बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। फिक्स प्राइस IPO में कंपनी अपने ऑफर्ड शेयर्स का एक फिक्स प्राइस पहले से ही डिटरमाइन करती है। इन्वेस्टर्स यही प्राइस पे IPO के शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बुक बिल्डिंग IPO में शेयर्स के डिमांड देख के प्राइस डिस्कवर होता है। इसके लिए कंपनी एक प्राइस बैंड फिक्स करती है, जिसमें इन्वेस्टर्स IPO पीरियड में बिड सबमिट कर सकते हैं। ये प्राइस बैंड का फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस का मैक्सिमम डिफरेंस 20% होता है। डिफरेंट इन्वेस्टर्स से सबमिटेड बिड्स कंसिडर करके कंपनी फाइनल प्राइसेस सेट करती है। कंपनी के IPO प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट अंडरराइटर होता है। अंडरराइटर्स कोई भी मर्चेंट बैंक और ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कंपनी को IPO प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। इनका रोल IPO का प्रोस्पेक्टस बनाना, कंप्लायंसेस करना, IPO को इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स में प्रमोट करना और शेयर्स की प्राइस डिस्कवरी करना होता है। एज एन इन्वेस्टर IPO को पोटेंशियल सक्सेस दो इंडिकेटर से पता चल सकता है। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन। जब पब्लिक को ऑफर किए गए अवेलेबल शेयर से कम शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो उसको IPO अंडर सब्सक्राइब होना कहते हैं। इस केस में अंडरराइटर्स शेयर्स बाय करते हैं और IPO को फेल होने नहीं देते। बट एज एन इन्वेस्टर ये आपके लिए IPO अनसक्सेसफुल होने का फर्स्ट इंडिकेशन है। अगर ऑफर्ड शेयर से ज्यादा शेयर्स के लिए इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं तो IPO ओवर सब्सक्राइब होना कहता है, जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दिखाता है और पोटेंशियल सक्सेस का इंडिकेशन देता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इन्वेस्टर्स को प्री डिफाइंड अलॉटमेंट क्राइटेरिया से शेयर्स अलॉट होते हैं, जैसे प्रो राटा बेसिस पे या लॉटरी सिस्टम से। कुछ केसेस में ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर अंडरराइटर्स के पास एडिशनल शेयर्स इशू करने का ऑप्शन होता है, जिसको ग्रीन शो ऑप्शन कहते हैं। सेकंड, लिस्टिंग प्राइस। IPO का फाइनल सक्सेस शेयर्स के लिस्टिंग प्राइस से पता चलता है। जब शेयर्स फाइनली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं तब सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मार्केट में शेयर्स की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे लिस्टिंग प्राइस ऑफर प्राइस से कम या ज्यादा हो सकता है, जो IPO के इन्वेस्टर्स के लिए इमीडिएट गेन या लॉस होता है।
इनफैक्ट कई इन्वेस्टर्स ये इमीडिएट गेन के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिपिंग स्ट्रेटजीज में इन्वेस्टर्स अलॉटेड शेयर्स को लिस्टिंग होने पे इमीडिएटली प्रॉफिट पे सेल करने की ट्राई करते हैं। ये आईपीओ के कॉन्सेप्ट्स को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। Zomato, जो अब एक वेल नोन फूड डिलीवरी कंपनी है, वो 2010 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुई थी। अप्रैल 2021 में Zomato फर्स्ट टाइम पब्लिक कंपनी बनी और पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू किया। इसके लिए Zomato ने सिटी बैंक, क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनली जैसे कई बैंक्स को अपॉइंट किया। Zomato का आईपीओ बुक बिल्डिंग ऑफर से इशू किया गया, जिसमें शेयर्स का प्राइस बैंड ₹72 to ₹76 रखा गया। Zomato का आईपीओ ऑफर्ड शेयर से अप्रोक्सीमेटली 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। अकॉर्डिंगली एप्लीकेंट इन्वेस्टर्स को ₹76 के फाइनल प्राइस पे शेयर्स अलॉट हुए। फाइनली 23 जुलाई 21 को फाइनली शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए फॉर ₹115। अब आईपीओ से एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एफपीओ और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऑलरेडी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को अगर एडिशनल शेयर्स इशू करके फंड रेज करना हो तो वो एफपीओ के थ्रू कर सकती है। कंपनीज के लिए एफपीओस आर अ वे टू एक्सेस एडिशनल फंडिंग। एडिशनल फंडिंग करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, डेट रिडक्शन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो पतंजलि ब्रांड के अंडर बिजनेस करती है, उसने मार्च 22 में एफपीओ से ₹650 पे शेयर्स इशू किए। इसका मेन रीजन रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए प्रमोटर होल्डिंग को कम करना था, बट इस एडिशनल फंडिंग से कंपनी ने डेट रीपे करके डेट फ्री भी बन गई। एफपीओ का प्रोसीजर आईपीओ जैसा ही सिमिलर होता है। इसमें भी अंडरराइटर को अपॉइंट करके कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके जनरल पब्लिक को अपने एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करने का ऑफर करती है। एफपीओ टू टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूटिव एफपीओ एंड नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। डाइल्यूटिव एफपीओ के केस में कंपनी एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू करती है, बट कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू सेम ही रहता है। इससे ओवरऑल अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होता है एंड ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी रिड्यूस होता है। So, ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली कम कर देता है, इसलिए इसको डाइल्यूटिव एफपीओ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर एक कंपनी का अर्निंग्स ₹100 crore है और एग्जिस्टिंग शेयर्स 1 crore है। इससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹100 है, जिसके बेसिस पे शेयर्स का प्राइस ₹1500 है एट पीई रेशियो ऑफ 15। अब अगर कंपनी ने एडिशनल 1 करोड़ न्यू शेयर्स इशू किए तो सेम मॉर्निंग पे कंपनी का ईपीएस ₹50 हो जाएगा, और कंसीडरिंग सेम पीई रेशियो ऑफ 15 कंपनी का प्राइस भी ₹750 पे ड्रॉप हो जाएगा, जिससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मैथमेटिकली इमीडिएट लॉस हो सकता है। प्रैक्टिकली इन्वेस्टर्स का कंपनी की तरफ का परसेप्शन एफपीओ से मिले हुए पैसे के प्लान्स एटसेट्रा शेयर्स के प्राइस डिटरमाइन करता है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये टाइप के एफपीओ में कंपनी को डायरेक्टली फंड्स मिलते हैं, जिसे वो फर्दर बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। सो इन्वेस्टर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। नॉन डाइल्यूटेड एफपीओ वो होता है जब कंपनी के प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या लार्ज इन्वेस्टर्स अपने प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स मार्केट में सेल करते हैं। ये सेल से कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं होते, बट सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सो अनलाइक डाइल्यूटिव एफपीओस, कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर, शेयर प्राइस और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम नहीं होती, इसलिए इसको नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ कहते हैं। ये केस में कंपनी को शेयर सेल के पैसे नहीं मिलते, बट सेलिंग इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। सो कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के लिए ये टाइप ऑफ एफपीओ बेनिफिशियल नहीं है। टू कंपेयर, आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी की ओनरशिप जनरल पब्लिक के लिए ओपन करके कैपिटल रेज करना होता है। वही एफपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव वही पब्लिक ओनरशिप को डाइवर्सिफाई करना और प्रमोटर्स होल्डिंग को डाइल्यूट करके कैपिटल रेज करना होता है। अब एक और पब्लिक ऑफरिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं, विच इज ऑफर फॉर सेल और ओएफएस। ये मैकेनिज्म फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज होता है फॉर सेलिंग द शेयर्स ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सच एज प्रमोटर्स, फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स पब्लिक को अपने शेयर सेल के लिए ऑफर करते हैं। ये प्रोसेस इनिशियल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स को लिक्विडिटी देता है, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स डाइवेस्ट करके मोनेटाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में ये शेयर्स यूजुअली प्रीवेलिंग मार्केट प्राइसेस के कंपेयर पे डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल होते हैं। ओएफएस के लिए सबसे पहले कंपनी और शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर्स बेचने वाले हैं, वो ओएफएस कंडक्ट करने का इंटेंशन अनाउंस करते हैं। इसके साथ वो डेट ऑफ ऑफर और नंबर ऑफ शेयर्स भी स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद ओएफएस में स्पेसिफिक बिडिंग पीरियड होती है, जिसमें कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपना ऑफर शेयर पे अपना बिड प्लेस कर सकते हैं। कंपनी एक फ्लोर प्राइस सेट करती है, जो यूजुअली प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में रहता है। ये फ्लोर प्राइस के नीचे कोई बिड नहीं कर सकता। कुछ कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फ्लोर प्राइस पे भी डिस्काउंट रखते हैं।
जब बिडिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब सक्सेसफुल बिडर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं। पहले OFS सिर्फ प्रमोटर्स को अलाउड करता था, जिससे प्रमोटर्स अपना स्टेक सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डाइल्यूट कर सकते थे। एज पर सेबी रेगुलेशंस, लिस्टेड कंपनीज का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होना चाहिए। कोई कंपनी का ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो एक टाइम पीरियड के अंडर प्रमोटर्स को अपने स्टेक डाइल्यूट करना होता है, जिसके लिए OFS यूज होता है। ओवर द इयर्स OFS के शेयर सेल करने का रूट दूसरे नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर्स को भी दिया गया है, जिनका कंपनी में एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग हो। OFS में मिनिमम 25% ऑफ ऑफर्ड शेयर्स म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिजर्व होते हैं और मिनिमम 10% ऑफ ऑफर्ड शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होते हैं। नॉन डाइल्यूटिव FPO और OFS का एप्लीकेशन सिमिलर होता है, जिसमें एग्जिस्टिंग लार्ज इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं। हाउएवर, प्रोसीजरली कंपनी के लिए FPO में ज्यादा कंप्लायंस होते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। In short, OFS is an easier way to sell shares through the stock exchange. In summary, IPO, FPO और OFS distinct terms हैं जो investors को company के securities में invest करने की opportunity देते हैं. I hope this video has helped you clarify all the differences. क्या आपने IPO, FPO या OFS में invest किया है? Let us know in the comments below. अगर आपको ये video अच्छी लगी तो like करें और future में ऐसी informative videos देखने के लिए subscribe करें. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.